हाय दोस्त, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं क्रिकलैक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे आरसीबी और लखनऊ के बीच में जो मैच खेला जाना है इसके बारे में, तो इस मैच का जानकारी हम लोग लेंगे। तो इसमें कौन कौन से खिलाड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। भाई, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक लाइक करते हो तो उससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूँ। तो आपका एक लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, साथ ही साथ आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो उससे हम जो भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है, तो उसका लाभ आप सबसे पहले उठा सकते हैं। तो चलिए, हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसमें ड्रीम इलेवन में टीम बनाएंगे। तो हमारे लिए कौन कौन खिलाड़ी इम्पोर्टेंट होंगे वो सब देख लेते हैं। तो चलिए, हम पहले मैच पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा लीग है, लेकिन सभी लीग को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको टीम बनाना पड़ता है। तो चलिए, हम टीम बना लेते हैं। पहले क्रिएट टीम पे हमने क्लिक किया। क्रिएट टीम पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस जगह पे चार सेक्शन ओपन हुए हैं, जैसे कि विकेट कीपर सेक्शन, बैट्समैन सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलर सेक्शन। तो चार सेक्शन हैं। तो चार सेक्शन में पहला जो है यहाँ पे देख सकते हैं डिकॉक। डिकॉक आपके लिए आज अगर खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी टीम में इनको ज़रूर से ज़रूर रखिएगा, खास करके ग्रैंड लीग में। ठीक है, दूसरा हो जाता है निकोलस पुरन। ठीक है, अब तीसरा आपका दिनेश कार्तिक। तो आप इस जगह पे देख सकते हैं इसका जो सिलेक्शन परसेंटेज है 84 है, तो ये आपको स्मॉल लीग में काम आएंगे। ठीक है, और डिकॉक हो गया या फिर दिनेश कार्तिक हो गया, तो ये दोनों आपको जीएल में काम आएंगे, जैसे कि 50 लाख का प्राइज है, 1 करोड़ का प्राइज है, तो वो सब में ये खिलाड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग जो टीम बना रहे हैं वो आपका स्मॉल लीग का टीम बना रहे हैं। तो इसमें देखिए निकोलस पुरन हो जाएंगे, उसके बाद अगर डिकॉक खेलते हैं तो मैं अपने टीम में इनको ज़रूर रखूँगा, और जब डिकॉक को रखूँगा तो निकोलस पुरन को मैं ड्रॉप करूँगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लखनऊ की तरफ से लोकेश राहुल, जो कि आज धमाका कर सकते हैं, तो आप इनको अपनी टीम में ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा। साथ ही साथ विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी दोनों बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, तो आप चाहें तो दोनों में से किसी भी एक प्लेयर को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, किसमें, जीएल में। ठीक है, और स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो ट्रम्प प्लेयर में आएंगे दीपक हुडा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इसको सभी लोगों ने अभी इग्नोर कर रहे हैं, तो जब इग्नोर कर रहे हैं उसी बीच में बंदा परफॉर्मेंस करेगा और आपको एक तरफा जीएल विन कराएगा। तो अगर आप जीएल का टीम बना रहे हैं तो उसमें दीपक हुडा को लेना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो उसके बाद है आयुष बदौनी। तो आयुष बदौनी को आप अपना टॉस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर आयुष बदौनी खेलते हैं तो अगर पहले लखनऊ की टीम बैटिंग करती है तो आप इनको अपने टीम में रख सकते हैं, अन्यथा अपने टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस, कुणाल पांड्या और ब्रेसवेल, और उसके बाद केम मेरेस। तो आपको देखिए इम्पोर्टेंट कौन कौन खिलाड़ी होंगे, केमेयर्स, ब्रैसवेल, कुणाल पांड्या भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन स्मॉल लीग में होंगे, अगर जीएल खेल रहे हैं तो इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, और इनके जगह पे आप मार्कस स्टोनिक्स को ले सकते हैं, अगर ये बंदा चल गया तो आपको अच्छा खासा पॉइंट दे सकता है। ठीक है, साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल देख लीजिए, अभी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं, देख लीजिए 2 मैच खेले हैं तो एक में 20 पॉइंट दिए हैं और एक में 18 दिए हैं, तो अगर जीएल खेल रहे हैं तो इनको ट्राई कर सकते हैं अपने टीम में। बाकी
बॉलिंग सेक्शन से देख लेते हैं। अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करती है तो हर्षल पटेल को अपने टीम में जरूर से जरूर लीजिएगा, साथ ही साथ उसके बाद मोहम्मद सिराज को ले सकते हैं, ठीक है। और मान के चलते अगर लखनऊ की टीम से लेना चाहते हैं तो देवदत्त उनादकट खेलते हैं तो इनको ले लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ट्रंप प्लेयर साबित हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी डेविड वैली है, बाकी जो भी होगा टॉस अपडेट आने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे टीम का हम प्रीव्यू देखने से पहले कप्तान उप कप्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कप्तान उप कप्तान के लिए आपको, अगर स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो स्मॉल लीग के लिए आपको के मेयर्स जो हैं इम्पोर्टेंट हो जाएंगे कैप्टन के लिए, ठीक है। और वाइस कैप्टन के लिए आप फाफ डुप्लेसी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अगर वहीं पे आप जीएल खेल रहे हैं तो उस स्थिति में आप लोकेश राहुल या फिर दीपक हुडा को कैप्टन बना सकते हैं। तो चलिए दीपक हुडा को कैप्टन बनाने का रिस्क ले सकते हैं, और वीसी बनाना होगा तो केमेयर्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से आपका टीम बन के आ जाएगा। आपको दिखा देते हैं टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, और उम्मीद करते हैं ये टीम अच्छा होगा। अगर आप इस टीम के साथ खेलना चाहते हैं तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप एक दो चेंज करके आप इस टीम के साथ खेल सकते हैं, ठीक है, ताकि रैंक क्लैश ना हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ हाँ भाई, जो वीडियो को देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।